नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आ रहा है बहुत ही बड़ा दिन और वो है गुरु पूर्णिमा, 21 जुलाई 2024 जो कि रविवार वाला दिन होगा। ऐसे दिन पे आपको क्या करना चाहिए, क्या खास उपाय करने चाहिए, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु वो होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें सही रास्ता जीवन में दिखाते हैं, जो हमें एक मोल्ड करके एक अलग ही व्यक्ति, एक अलग ही इंसान बनाते हैं। वो हमें जीना सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। वो हमें ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं, हर तरीके से वो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। खास तौर पे अगर हम रास्ता भटक जाए तो एक गुरु ही होते हैं जो हमें सही रास्ता उस वक्त दिखाते हैं और हमें भटकने से रोक देते हैं। तो हमेशा जीवन में गुरु होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो गुरु कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपको सही दिशा जीवन में दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं और जीवन आपका पूरी तरह से बदल देते हैं। सबसे पहले जो गुरु है वो है मेरे माता पिता, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ही मुझे जीवन में सबसे पहले सही दिशा दिखाई, सही रास्ता बताया, इस काबिल मुझे बनाया। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। इनफैक्ट शुक्रिया एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा कम होता है, शुक्रिया तो यहाँ पर खैर बोल ही नहीं सकते, लेकिन हाँ ये बात ज़रूरी है कि गुरु का आशीर्वाद अपने ऊपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके जीवन में जो भी गुरु है ना, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप डेली उनको याद करें, उनको आंखें बंद करके याद करें और ये बोले कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहे। आज जो भी आपके जीवन के गुरु हैं, अब जरूरी नहीं कि आपके एक ही गुरु हो, जैसे माता पिता तो मेरे पहले गुरु है, लेकिन उसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे गुरु जीवन में रहे हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके भी जीवन में कोई ना कोई जरूर से गुरु होंगे, भले उन्होंने, मैं कहती हूँ कि एक मिनट का ही आपको ज्ञान दिया होगा, लेकिन उस एक मिनट के ज्ञान से आपकी पूरी जिंदगी बदल गई होगी, तो वो भी आपके गुरु हैं। तो आंखें बंद करके जितने भी आपके गुरु हैं उनको दिल से आप याद करें। अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में हैं तो आप उनसे बात करके उनको थैंक यू करें, या उनको व्हाट्सअप करें, या अगर आपके ये पॉसिबिलिटी है तो आप उनको आज के दिन मिल के आएं। जितना हो सके अगर आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेते तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है लाइफ में, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज के दिन गणपति बापा की आपको जरूर से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि के दाता है। तो ऐसे में आप ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर से कीजिएगा। आज के दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और गायत्री मंत्र भी करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब आप इसको एक जगह पे बैठ के एक एक माला भी कर सकते हैं, या आप बिना काउंटिंग के ऐसे ही मन से आप एक के पीछे भी बोल सकते हैं। आज के दिन आप सूर्य को जल जरूर से चढ़ाइएगा, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने से पहले उस जल में थोड़ा सा हल्दी जरूर से डाल दीजिएगा, और जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उस जल में से आप सूर्य के दर्शन जरूर से करें, ताकि आपको वो फील हो कि हाँ रेनबो जो लाइट है ना वो उस पानी में से आ रही है और मुझे आंखों में वो फील हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, अदरवाइज आप बस यूं ही अपने हाथ ऊपर करके जल को चढ़ा दीजिए। और इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो पानी है वो आपके पैरों पे उसके छींटे नहीं लगने चाहिए, कोई भी वहां पे गमला या कुछ ना कुछ रख लीजिएगा। अगर मिट्टी का गमला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो आप प्लेन आप कोई भी पॉट रख दीजिएगा, ताकि बाद में पक्षी आके पी जाए। आज के दिन अगर आप पीली मिठाई या पीला खीर घर में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, या आप रेडीमेड भी लेके आ सकते हैं। केसर की खीर हो गई, ठीक है, वो आप तैयार कर सकते हैं। इन चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, या सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए उसके मुताबिक भी आप दान कर सकते हैं। दान देना सबसे बेस्ट पता है क्या होता है, कि सामने वाले पर्सन को क्या जरूरत है। मान लो कि आपके सेवा करनी है तो आप उनको पूछ सकते हैं कि उनको क्या जीवन में जरूरत है, उनको छाता चाहिए, या उनको बच्चों के लिए किताबें चाहिए, या उनको दवाइयों के लिए कुछ हेल्प चाहिए। तो अगर सामने वाले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमें दान सिर्फ दान देने के लिए नहीं करना है, हम ये भी चाहते हैं कि सामने वाले के भी कार्य हो और उसको खुशी भी मिले, ठीक है। उसकी जो जरूरत है जितना आपके बस में उतनी आप जरूरत उसकी पूरी करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते तो सही मायने में ये एक्चुअली दान होता है, और जरूरी कि वो स्पेसिफिक दिन पे ही करना है। ऐसा बोला जाता है कि ये दिन पे दान करो, वो दिन पे दान करो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे मानती हूँ कि जब जिसको जरूरत हो उसको उस वक्त दे दो, ठीक है। आप उस वक्त दिन या कुछ भी मत देखो, या कलर्स है ये मत देखो, हाँ मुझे ये देना चाहिए या मुझे ये नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो। सामने वाले ने अगर आपसे इमीडिएटली मांगा है तो उसको, अगर आपके बस में है तो उसको ना बिल्कुल भी ना बोले, उसको जरूर से आपको चीज दे दे,
क्योंकि हो सकता है ईश्वरी उनके रूप में आ रहे हैं, है ना। कोई बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हो, ये मनोकामना वाला दिया होगा जो आपको करना है। आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेंगे आप, जो भी दिया आपके पास घर में होगा ना वही आप ले लेंगे, और गोल बाती का इस्तेमाल करेंगे या लंबी बाती अगर आपको लेनी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल आप करेंगे। अब उस दिए के अंदर आपको क्या करना है, डालना है आपको थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल आपको दाने डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर या चीनी जो होती है ना वो आप डाल देंगे, छोटा सा एक मामूली सा गुड़ का ऐसे टुकड़ा, ये सब चीजें आप उस दिए के अंदर डाल देंगे। अब इस दिए को आप जला देंगे मनोकामना करते हुए, अपने गुरु को याद करते हुए, जिनको भी आप गुरु मानते हैं ना बस उनको आप याद कर लीजिए। अपने गुरु को याद करते हुए आप ये दीपक जला देंगे। अब ऐसा भी होता है कि ईश्वर को भी हम गुरु मानते हैं, जैसे बजरंग बली को कई लोग गुरु मानते हैं, गणपति बाबा को मानते हैं, जो भी सही दिशा दिखा दे, कृष्ण भगवान को, मतलब जिनको भी आप मानते हैं ना एज अ गुरु के रूप में, आप उनको याद करते हुए ये दिया जला देंगे। वहां पे आप बैठेंगे और अपने गुरु से, जैसे कि ना आप ना मन से ना बात कीजिए, जो भी आपकी तकलीफ है ना आंखें बंद करके आप इमेजिन करें कि आपके गुरु जैसे सामने हैं और अपनी सारी तकलीफ ना उनको बोले आप। अगर आपको आंख खोल के होता तो आंख खोल के आप बोले, मान लो कि उनकी फोटो या मूर्ति है, तो उनके सामने ना दिल से अपनी सारी जो भी बातें हैं, जो भी तकलीफ है ना वो मन से, या अगर आपको लगता है कि आपको खुल के बोलना है तो खुल के आपकी तकलीफ या जो भी प्रॉब्लम है आप वो बोल दीजिए। अब आप चाहते क्या हैं वो चीज़ आप जरूर से बोले, और इसके साथ साथ आप शुक्राना करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्राना आपको जरूर से करना चाहिए। ठीक है अभी आपको जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ना कोई अच्छी बातें भी तो आपके जीवन में होगी ना, तो आपको शुक्राना भी जरूर से अपने गुरु का करना है कि हे गुरु थैंक यू, आपने मुझे अच्छा घर दिया, आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए, या आपने मुझे अच्छा पति दिया, या अच्छे माता पिता दिए, या अच्छा खाना दिया, या अच्छा बिस्तर दिया, जो भी आपके पास है उसका शुक्राना भी आपको जरूर से करना है। ठीक है, इस तरीके से बस आपको ये प्रार्थना आज के दिन करनी है, दिल से आप कीजिएगा। आगे आप भोग के तौर पे आप चाहें तो केले आप रख सकते हैं, पीली मिठाई आप रख सकते हैं, आप केसर वाली खीर बना के आप रख सकते हैं, और बाद में प्रसाद के तौर पे इसको सभी घर में खा भी सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मिश्री के दाने तो होते हैं ना वही आप रख लीजिएगा। जल रखना बिल्कुल भी ना भूलें जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे। छोटा सा बस ऐसे कोई भी ना ग्लास में या कोई भी आप जो लोटा रहता है या लोटी रहती है छोटी सी, उसमें पानी भर के हल्का सा शक्कर या चीनी आप डाल दे, यानी कि मामूली सा मीठा जल बना के ये भी आप आगे रख दीजिएगा, तो बाद में आप इसको प्रसाद के तौर पे ये भी आप सभी को बांट सकते हैं। ये जो मैंने आज आपको उपाय बताया ना, बस आप इसको दिल से कीजिएगा, देखिए किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। अब जो दिए में आपने जो भी सामग्री डाली थी, बाद में आप उसको घर के गमले में या घर के बाहर जाके कहीं पे भी आप उसको मिट्टी में डाल के आ सकते हैं या पानी में भी डाल सकते हैं। आज के दिन एक मेन बात जो मुझे बतानी थी कि नहाते वक्त आप गंगा जल का प्रयोग जरूर से करें। थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप पानी में डाल के उस पानी से स्नान आप जरूर से कर लीजिएगा। और एक आखिरी उपाय, जो करने से आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पूरे घर में आपको घंटी बजानी है। ठीक है, अगर घंटी नहीं है तो आप कोई भी मंत्र जरूर से आप घर में चला के रख लीजिएगा। जो दिए वाला मैंने आपको उपाय बताया है ना, ये आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको कहाँ जलाएं। वैसे तो देखिए जो गुरु का जो कोना होता है वो माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कोना यानी कि ईशान कोने पे आपको ये दिया जलाना चाहिए, लेकिन अगर आप वहां पे नहीं कर सकते तो आप इसको घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, जहां पे भी आपका घर का मंदिर बना हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर इस तरह के वीडियोस आप और पाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप और भी रेमेडीज पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में मिल जाएगा। जिन्हें हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। नमस्कार, हरिओम।